जोक से एक पप्पू गोवा गया और 20 दिन तक नहीं लौटा। पप्पू की पत्नी ने उसे मैसेज किया, पत्नी जो चीज तुम वहां पैसे से खरीद सकते हो मैं वह यहां दान भी कर सकती हूं। पप्पू रात को ही वापस लौट आया। जोक्स दो, टीचर एक औरत एक घंटे में 50 रोटी बनाती है, तो तीन औरतें एक घंटे में कितनी रोटी बनाएगी? बच्चा एक भी नहीं, क्योंकि तीनों मिलकर सिर्फ चुगली करेंगी। टीचर बेहोश। जोक्स तीन, लड़का तुम लड़कियां लव मैरिज क्यों करती हो? लड़की अनजान नमूना मिलने से अच्छा है जाना पहचाना कमीना मिल जाए। लड़की तुम लड़के लव मैरिज क्यों करते हो? लड़का एनाकोंडा मिलने से अच्छा है कि पहले से पाली हुई नागिन मिले। जोक्स चार, जो लड़कियां बोलती हैं कि मेरे पीछे बहुत लड़के घूमते हैं, उन लड़कियों को ये बात पता नहीं होती कि कम दाम की चीजों पे ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। जोक्स पांच, आदमी ससुराल में खाना खाते वक्त आज खाना सासू मां ने बनाया है क्या? बीवी, अरे वाह कैसे पहचाना? आदमी, अरे जब तुम बनाती थी तो खाने में से काले बाल निकलते थे, आज सफेद बाल निकला है। जोक्स छह, बॉय ये लीजिए मिठाई। डैड वाह पास हो गया मेरा बेटा। बॉय नहीं फिर फेल हुआ। डैड तो मिठाई क्यों खिलाई? बॉय क्योंकि सच कड़वा होता है। जोक्स सात, पप्पू का इंटरनेट नहीं चल रहा था, पप्पू ने कस्टमर केयर में कॉल किया। पप्पू, हेलो कस्टमर केयर, बताइए सर हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं? पप्पू, 5 दिन से मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, मैं क्या करूं? कस्टमर केयर, सर तब तक कोई और काम कर लीजिए। पप्पू बेहोश। जोक साठ, एक शिष्य, गुरु जी एक मिनट। गुरु क्या बात है? शिष्य, अगर कंस को पता था कि देवकी और वसुदेव का 8वां बच्चा उसे मार देगा तो उसने दोनों को एक ही कोठरी में बंद क्यों किया? अध्यापक बेहोश। जोक्स नौ, टीचर दुर्भाग्य और दुर्दशा में क्या फर्क है? बच्चा, सर अगर इस स्कूल में आग लग जाए तो स्कूल की हालत खराब हो जाएगी, इसे कहते हैं दुर्दशा, और इतनी आग लगने पर भी आप जिंदा बच गए तो ये होगा हमारा दुर्भाग्य। टीचर बेहोश। जोक्स दस, एक भूतनी इंसान के वेश में नाई के पास बाल कटवाने गई। भूतनी, मुझे बाल कटवाना है। नाई जी, अभी नहीं हो सकता मैडम, बाद में आना, अभी मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ। नाई अचानक से बेहोश हो जाता है। आखिर मैडम ने ऐसा क्या कह दिया? भूतनी, अपनी मुंडी रख कर जा रही हूँ, स्टेप कटिंग कर देना, मैं बाद में आकर ले जाऊंगी।